स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ है आज प्रिंस सोनी। तो सबसे पहले आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करो भाई। भाई मेरा नाम है प्रिंस वाई। आई एम एन एनडीए कैडेट। मैं एक पैंथर हूँ एंड फोर्थ बटालियन, जिसे अभिमन्यु बटालियन बोलते हैं। तो उसमें चार स्क्वाडन आती हैं, तो उसकी मेरी पैंथर स्क्वाडन है। सो आई एम अ पैंथर। बस तो कुछ नहीं। भाई आज ये हमारा फर्स्ट पॉडकास्ट है और हम अपने फर्स्ट पॉडकास्ट को शूट कर रहे हैं प्रिंस भाई के साथ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले भाई, प्रिंस भाई तुम अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दो कि यार अभी तुम क्या हो और मतलब अपने बारे में थोड़ा सा बता दो। सो मैंने अबाउट आई वॉज गॉट क्वालिफाइड फॉर एनडीए 150 कोर्स। तो मैं एनडीए कैडेट हूँ। तो मैं अभी 6 मंथ की ट्रेनिंग कम्प्लीट करके, मेरा फर्स्ट टर्म कम्प्लीट करके भी टर्म ब्रेक पर आया था। तो आई गॉट द गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू हैव द प्राइम प्रिविलेज टू शूट विद माई भाई। एंड दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट, बिकॉज काफ़ी पॉडकास्ट दिए हैं, पर दिस इज़ वन ऑफ द स्पेशल, बिकॉज मतलब एक ऐसे बंदे के साथ बैठा हूँ जो हर चीज़ में साथ है, हर चीज़ में साथ था। मीन्स फ्रॉम द स्क्रैच टू द हाई एंड आई एम वेरी माइल्स टू गो। तो बात यही है। तो द फैक्ट दैट आई वाज सिलेक्टेड फॉर द 150 कोर्स, तो 150 कोर्स के लिए सिलेक्ट हुआ था। मेरा फर्स्ट टर्म कंप्लीट हो गया है। जैसे ही मैंने बताया कि आई एम अ कैडेट, अभी अंडर ट्रेनिंग हूँ एंड आफ्टर 3.5 ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग फर्दर आई गॉट कमीशन एज अ लेफ्टिनेंट। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगा भाई, आपका स्वागत है प्रिंस भाई हमारे चैनल पर। और मैं स्टार्ट करना चाहूंगा, देखो ये पॉडकास्ट बहुत ज्यादा सिंपल होने वाली है। पहले मैं आपको बता दूं, बिल्कुल आप जो हो वो बताना। मैंने कोई स्क्रिप्ट रेडी नहीं करी, मैंने प्रिंस भाई को कोई क्वेश्चन नहीं बताया पहले कि भाई ये क्वेश्चन है, जो है सीधा है साफ है, ठीक है आपके सामने है। तो प्रिंस भाई सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि तुम्हारी जर्नी की स्टार्टिंग कैसे हुई। ऐसा था कि मतलब एक टाइप से कंप्लीट ट्रांजिशन था। मतलब टिल 8th मैं अपने चाचा से बहुत मोटिवेट था, बिकॉज वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड आई वाज आल्सो गुड एट कोडिंग। एचटीएमएल कोडिंग जो हमारी होती थी, तो मैं कोडिंग करता था, मुझे कोड्स काफ़ी अच्छे लगते थे। अच्छा तो अच्छा मुझे लगता था सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूंगा, वेबसाइट्स बनाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। तो मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से एनडीए तो लाइक बहुत ज्यादा बहुत कंट्रास्टिंग अपोजिट है। है, हाँ मतलब बहुत ये तो कंट्रास्टिंग है भाई। तो क्या हुआ कि अब 9th क्लास की वेकेशन में मैं गया अपने भाई के पास, तो वो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा था। तो उसने ऐसे बताया, वो हम लोग ऐसी बात कर रहे जनरली कि भाई, उसने बताया कि ऐसा ऐसा होता है, तुम 12th के बाद एनडीए दे सकते हो। वहाँ पूछा एनडीए क्या है, बताया कि एनडीए मतलब एक नेशनल डिफेंस अकेडमी होता है। वहाँ पर जो यंगस्टर्स होते हैं 12th के बाद एग्ज़ाम देते हैं और काफ़ी चीज़ें होती हैं। प्लस तो उससे क्या है कि आप इंडियन आर्मी में एज एन ऑफिसर कमीशन हो जाते हो, परमानेंट कमीशन है, बहुत तगड़ी चीज़ है। तो हमने एक्सप्लोर किया, ये किया वो किया, तो एक एक तरीके से बिल्कुल माइंड मेकअप हो गया था। सॉफ्टवेयर इंजीनियर से सीधा बिल्कुल इंडिया आ गया। तब से मन में कसम खाली थी कि नहीं, तो डिफेंस में ही जाना है। फिर क्या हुआ कि 9th में पापा ने भी पूछा कि अगर ITJEE करना हो तो कानपुर भेज देता हूँ। पापा कह रहे तुम्हें चाहते था तो बनना है, तो कुछ अच्छा ही बन जाना। मतलब कि जैसे वो उनने नॉर्मल कॉलेज से बीटेक करके अभी इतने बड़े मुकाम पे हैं, तो कह रहे कि तुम जैसे पढ़ने में अच्छे हो तो और नंबर सही आते हैं, थोड़ी मेहनत करोगे, अच्छा कॉलेज पाओगे, तुम भी अच्छे बन जाओगे। तो मैंने कहा नहीं पापा, तो डिफेंस जाना है। तो फिर तभी इंजीनियरिंग से तो हर कोई कर रहा है। इंजीनियरिंग तो कोई भी कर लेता है प्राइवेट कॉलेज से। और खुल प्राइवेट जाओ, खुल जाओ। कॉलेज हो गए काफ़ी, तो हमारे मथुरा वथुरा में है, चलती है इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग वो चलती रहती है। ठीक है, पर क्योंकि क्या है कि बचपन से मेरा कैरेक्टर ऐसा रहा है कि जिसमें थोड़ी पोजीशन अच्छी हो, पावर्स हो तुम्हारे हाथ में, फिर डिफेंस ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपको रेपुटेशन अच्छी मिलती है। डिफेंस एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है लर्न करने की, आप कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सीखते हो। फिर थोड़ा कमांडिंग बिहेवियर है, तो उसमें आपको कमांड करने को भी मिलना है। तो मतलब एक कंप्लीट पैकेज था हर चीज़ का। तो मैं कहा नहीं, अब तो डिफेंस ही करना है। तो फिर 9th से 9th 10th 11th 12th, फिर 1 साल और लगा यहाँ तक पहुँचने में। तो करीब 5 साल की तपस्या रही है, जर्नी रही है, तो यहाँ तक पहुँचने अब भाई मैं तुमसे एक बहुत ज्यादा लाइक बहुत तगड़ा क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि यार देखो, सबकी जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि बंदा फिर ठोकर घलती है फिर सुधरता है। तो क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसी ठोकर घली थी? देखो मुझे तो सब पता है, पर में। हमारे व्यूअर्स हैं जो नए हैं, तो उन्हें मैं चाहूंगा कि आप सब बताओ। तो मतलब क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप बिल्कुल अपनी पूरी स्टोरी रख दो, क्योंकि ताकि जो लोग डिफेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं वो लोग इंस्पायर हों। तो तो मैं बताओ। बताता हूँ पूरा। तो क्या है कि मैं ऐसा कहूँगा, लाइफ मेरी काफ़ी थैंकफुल हूँ मैं। मतलब हर टाइम पे
नए नए चैलेंजेस मिले, नए नए लाइफ सीखने की अपॉर्चुनिटी मिली, सेटबैक्स भी हुए। तो उससे पहले मेरे कोटेशन, मेरे कोर्समेट ने मेरे को बताई थी कि इफ यू एवर फेस अ सेटबैक, डू नॉट सिट बैक, टेक अ नाइस, स्टेप बैक एंड बाउंस बैक। क्या बात है क्या बात है। तो यही था कि एट के बाद मैंने स्कूलिंग कंप्लीट करके मैं जय अकेडमी में गया, तो वहाँ भाई भी थे, सब लोग थे वहाँ पर। वहीं पे हम लोग मिले थे है वहीं पे हम ना। लोग मिले थे। तो मतलब जहाँ पे मैं पहले था, सीएल मेमोरियल पब्लिक स्कूल नाम था उसका, तो वहाँ पे आया वॉज अ टॉपर। पर क्या है कि अब जय अकेडमी जो है, जय अकेडमी और अच्छा स्कूल है, तो वहाँ पे क्या है कि मतलब काफ़ी अच्छे अच्छे लोग थे, पूरे झांसी से आते हैं, एक से एक धुरंधर पढ़ाई के आते हैं। तो मैं गया, तो जहाँ मेरे 10th में थे 98 पॉइंट, सॉरी 8th क्लास में मेरी परसेंटेज फाइनल की थी 98.6, मैं जय अकेडमी में गया। मेरे पीसीएम तब भी सही था, इंग्लिश का मेरे को अभी भी याद है कि 50 नंबर के बंदा मेरे 32 नंबर आए थे इंग्लिश में, हिंदी ये में कम है कि ज्यादा है? ये बहुत ही कम है। तो क्या हुआ, मेरा ऐसी हिंदी मेरा बहुत बेकार चला था, मैथ्स भी मतलब 10-15 नंबर कट रहे थे मेरे, मेरे कभी ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि मेरे भाई हमेशा मेरे 100 में से 30 आए थे यार। तो वैसे तो प्रिंस ना बचपन से टॉपर ही रहा है, क्योंकि बचपन से हाँ, टॉपर पढ़ाई है, लिखाई पढ़ाई तो ये सही लिखाई चल रही सही थी। चलती थी भाई की। तो क्या हुआ, तो वहाँ पे इंग्लिश में घिसा, इंग्लिश में कुछ नहीं आया, धीरे धीरे इंग्लिश में किया, थैंकफुल फॉर द टीचर्स उसकी, उन्होंने हर स्टेप पे साथ दिया। हिंदी में स्ट्रगल करता था, फिर धीरे धीरे मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री सब बढ़ती गई, क्योंकि इतना अच्छे से कभी पढ़ा नहीं था। फिर 9th में मुझे टीचर मिले, उनका मिस्टर प्रिंस यादव, वो अभी PNB मैनेजर हैं दिल्ली में, तो उन्होंने मुझे तब पढ़ाया था, मतलब तब वो नहीं थे, तो उन्होंने मुझे पढ़ाया, उन्होंने मेरे बेसिक्स क्लियर किए पूरे। तो आई एम मच थैंकफुल फॉर दैट, बिकॉज कि इस जर्नी की जो प्राइम नींव जो होती है ना, बेसिक फाउंडेशन, वो उन्होंने ही डाली थी। बहुत सही। फिर धीमे धीमे 10th 9th में मेरी 88% थी, तो सर्वाइव कर गया उसमें। फिर 10th में आया, 10th में कुछ सो कॉल्ड IITians मैं नहीं हूँ पहले बता रहा, ठीक है, मेरी बात नहीं हो रही। टीचर टीचर की बात है ना, टीचर्स की 10th में बात थे हो ना रही। तब। टीचर 8th में ना, 10th में ना, 10th में क्या हुआ था, हम लोग के स्कूल में ऐसा हुआ था कि जो जिनके 90 से ऊपर थे उस सेक्शन को अलग कर दिया था, जिनके 80 से ऊपर थे उनको अलग कर दिया था, और एक सेट पर तीन ऐसे सेक्शन थे, नहीं 4 ऐसे सेक्शन थे जिनमें बाकी के बिलो 80% थे, उनमें से एक में मैं था, ठीक है, 9th क्लास में सी तो सेक्शन हम में था ऐसा मैं। डाला, तो हम लोग जो एक सो कॉल्ड टॉपर का सेक्शन था, पता नहीं हमें क्यों डाला वहाँ पर, ठीक है। ये तो स्टार सेक्शन हाँ, में तो था, मैं स्टार नाइनटी सेक्शन में परसेंट प्लस था वाले में। वहाँ पर। तो वहाँ पर भी ये है कि वहाँ पर काफ़ी लोग थे जो मतलब कहने को आईटी की तैयारी कर रहे थे, माफ माई वर्ड्स, हुआ तो उनमें से क्या, किसी का? तभी तो मैंने बोला कहने को। तो और मैं सी में था भाई, सी सेक्शन में, जो नॉन आईटीएल उस क्लास सेक्शन, में एक बंदा निकला था, एक बंदा मिस्टर आशुतोष भी निकला है। आशुतोष, वो निकले हैं, वो हाँ, आई आई आशुतोष ही निकला बस, हाँ वो आईटी वो दिल्ली में है मैं उससे भाई। मिलने भी गया था आई दिल्ली में। हाँ, तो वो निकला है उसमें से। तो वहाँ पे भी क्या होता था कि बंदे काफ़ी पढ़ते थे, मतलब सच बहुत में ज़्यादा ही पढ़ते मजाक थे। सेट तो के बहुत पढ़ते थे। अब जैसे मैं हुआ, हैं एक है देवांश भाई हैं, एहतिशाम, ये हम लोग बस मस्ती वहाँ मस्ती वगैरह ही करते थे बस। गड़माऊ। गढ़मऊ सुप्रीमेसी चलती थी हमारी वहाँ पे। तो आज कहने का, जितने हम मस्ती करते, मैं देवांश भाई भी गवर्नमेंट कॉलेज से बीटेक कर रहा है, एहतिशाम भी बढ़िया जगह है, सब अच्छी, जो मस्ती वाले सब अच्छी अच्छी जगह है, और जो पढ़ने वाले हैं उनका पता नहीं भाई कहाँ पर है। तो क्या हुआ, 10th में आया, 10th में मतलब ऐसा रहता था भाई कि मैं कुछ नहीं हूँ, क्योंकि वो 10-15 बंदों को मैं गिन के रखा था, हाँ ठीक है ये 10-15 हो गए, मतलब अगर मैं अपना बेस्ट दूंगा तो मेरी 16वीं रैंक आ जाएगी, क्योंकि ये मेरे से ऊपर आने है मेरे को लगता था। पर पता नहीं एकदम से ऐसी क्या बात टच करी, बहुत पढ़ा, और उस चीज़ का मेन क्रेडिट देना चाहता हूँ, KKD ज्वाइन करा मैंने, KKD मिस्टर आशीष हम सर एंड दोनों केकेडी में थे, हम KKD में ही थे। हम दोनों साथ में 10th क्लास में केकेडी में थे। मैं हाँ 9th में आया था, ये 10th में आया था। हाँ तो आशीष सर, नितिन सर, स्वाति मैम, सब ने बहुत पढ़ाया, और मन से हम लोगों ने पढ़ाया, सच में 100% सच में दिया बहुत अपना वहाँ अच्छा। पे, कोचिंग में दिया, मतलब जैसे बताया देवांश भाई, वो हम लोग सब साथ में ही थे, साथ में ही पढ़ते थे हम लोग। तो 10th में पढ़ा, तो मतलब 10th में ये था कि उनने इतना अच्छे से पढ़ाया कि हमें पढ़ाई से प्यार हो गया, सही में मतलब मैं हुआ धीरज, हम साथ में बैठते थे, प्रज्वल हुआ, सब साथ में बैठ के पढ़ते थे अच्छे, सब एक दूसरे के डाउट सॉल्व कर रहे, मतलब आपस में बेस्ट थिंग अमंग अस वाज दैट कि हमारे बीच में कोई कंपटीशन नहीं था, नहीं था, कभी नहीं था। एक दूसरे से सीख रहे, बता रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, बस पर कर रहे, और ये नहीं कि सिर्फ पढ़ ही रहे, कि घूमने भी जा रहे, खूब सारी बकचोदी भी चलती थी, सारी बर्थडे बहुत पार्टी सारी। अटेंड कर हाँ, रहे, सब कुछ कर रहे, सब यहाँ करते जा थे। रहे, वहाँ जा टीचर्स रहे, डे भी मनाया था हम लोगों ने, टीचर्स डे बहुत प्राइम मनाया था। बहुत प्राइम टीचर। हम लोग अभी हाँ थोड़ी सी क्लिप डाल देंगे थोड़ी सी।
टीचर्स है हमारा बहुत प्राइम। हम लोगों ने एक स्किट भी करी थी ना। तो भाई ये हुआ 10th में, और ये है कि 10th में मेरा रिलेशनशिप भी था। तो खैर शी वाज आल्सो गुड इन स्टडीज बट हाँ, पर रिलेशनशिप तो रिलेशनशिप है भाई, टूट नहीं है। तो वो भी था, पर चीजें मैनेज हुई, चीजें मतलब मैनेज करी हैं। तो आई गॉट 95.6% इन क्लास 10, और मेरी स्कूल में ही रैंक 7 थी। मतलब जिनको मैं गिन रहा था ना कि ये 15-16 मेरे से आगे आने, तो उनको ही पछाड़ दिया था। और अभी मैं एक डाल दूंगा यहाँ पर प्रिंस भाई का, ठीक है, मेरे पास भी है। तो 10th में क्वाइट सेटिस्फाइंग नंबर थे। फिर क्या हुआ, 10th के बाद लगा सेटबैक, बिकॉज समवन वांट्स टू बिकम डॉक्टर। क्या है कि ठीक है, नहीं उसका भी बढ़िया है। तो क्या है कि हाँ, वो भी बढ़िया कर रही है, विशिंग लक टू हर दैट कि डॉक्टर बन जाए। तो क्या हुआ, यही घर था जहाँ हम, मैं, धीरज भाई और कुछ लोग और थे, हम तो साथ में न्यू ईयर पार्टी बना रहे थे। तो रात में आता है कि आई डोंट वांट टू बी विद हिम, मुझे डॉक्टर बनना है। ठीक है बन जा भाई डॉक्टर। तो बोलो। फिर 11th में क्या हुआ कि 11th में भी काफी चेंजेस आए, जैसे बहन की शादी आ गई, प्लस कोविड आ गया था। सही बात, कोविड आ गया। कोविड हम लोग जो आजाद पंछी थे, कभी घर के अंदर ही रहे, सच में हम लोग नहीं रहे। तो कोविड क्या होता है, कोविड अंदर रहना पड़ा, बस पबजी और सहारा। पबजी सहारा था भाई, सबने खेला, हम लोग ने पबजी साथ में खेलते थे, रात भर कॉल वॉल यही चल रहा है। फिर क्या हुआ कि बहन की शादी आ गई, मम्मी का एक्सीडेंट हो गया था, काफी कुछ चीजें, काफी चीज। तो 11th भी संभाली, 11th एक महीने में बढ़ा, थैंक्स टू PW, उनका जो एक बैच आया था, हम लोग एक महीने बढ़ गए, सारे बंदे निकल गए, सारे बंदे पास हो गए अच्छे तरीके से। आती है 12th की बारी। 11th में कितने आए थे? 11th में नियरली याद ही कुछ तो याद होगा, नियरली रिजल्ट ही लेने नहीं गया भाई। हम लोग ऐसे चलता था भाई, सब इतना बता देते कि हां पास हो गए, पास हो गए। फिर आती है 12th की बारी। 12th में I was also completely aloof from girls, पर पता नहीं क्यों वहाँ भी attachment हो गई। तो पर apart from that हमारी पढ़ाई बहुत चल रही थी। मैंने तो Cop Excel join किया, वहाँ हमारे 3 teachers थे, मनीष सर, पुनीत सर और सलेश सर। उन्होंने PCM में काफ़ी concept special clear करके रखे थे, तो boards क्या है मैनेज हो रहा था उसमें, try करना। हाँ पर क्या है कि हम लोगों को जैसे ये कर रहा था ITJ की preparation, मैं कह रहा था इंडिया एंट्रेंस की। तो क्या है कि आप बोर्ड तक लिमिट नहीं रह सकते, सही बात है, नहीं रह सकते, यू हैव टू पुश योर लिमिट्स। आपको एक्स्ट्रा पढ़ना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, एक्स्ट्रा टाइम देना ही पड़ेगा। तो मैं भाई और हमारा सो कॉल्ड ताइफू चाइनीज में डॉक्टर को ताइफू बोलते हैं। अच्छा अच्छा, ये चाइनीज सीख रहा है खैर, अभी तो थोड़ा फ्लेक्स कर रहा है यार। मैं मतलब मुझे अकेले में ताइफू ही बुलाता हूँ। तो जैसे ये इंजीनियर है, इनको कुंग जंक्शन बोल सकते हैं। क्या क्या बोलते हैं? साथ में कोई कॉम्पिटिशन नहीं था। हम लोग रात में, जैसे ऐसा होता अगर रात भर पढ़ते थे, जैसे नींद आ रही तो कॉल पे आ गए, पर ये था कि वो ज्यादा ही पढ़ता था। मान लो हम कॉल कर रहे हैं, हम बस कुछ नहीं तो गेम खेल रहे, भाई लेके पढ़ता रहता, बात करता रहता। तो बस बहुत जल्द आपको उसका भी देखने को मिलने वाला है। उसका भी बस कुछ महीनों में उसके साथ भी ऐसे वीडियो शूट कर रहे होंगे। तो 12th में होता था कि हम लोग रात भर पढ़ते थे, सुबह उठते थे, मतलब उठते क्या थे, मतलब अपनी जगह ही नहीं थे, सोते नहीं थे, अपनी जगह से उठे, वहां जा रहे हैं चाय पीने, बसंत की चाय पीने। वहीं पे बात हुई थी कि धीरज भाई टॉप मार दे हंसराज। हाँ हम लोग ये था कि देख जैकेट में तो हम लोग हैं। मैं हंसराज में था, ये हंसराज पहुंच गया था, मतलब बस नॉन गोइंग लिया था मैंने, क्योंकि नॉट कमिंग था मेरा, नॉन गोइंग था उसका, नॉट कमिंग था सम्राट का, वो स्कूल नहीं जाता, वो लेकर भी नहीं जाता, सम्राट भाई स्कूल नहीं जाते थे, पर धीरज भाई का नॉन कमिंग था, तो धीरज भाई स्कूल गए ही नहीं, सिर्फ एग्जाम देने गए, उसमें भी फेल हो गए, सिर्फ एग्जाम देने। हाँ एक जगह लटक भी गया था, फिर आगे सही 11th में। हाँ 11th लटक नहीं गया था, मतलब वो ऐसा हंसराज की, चलो छोड़ो ये पॉलिसी है कि तुम फीस भर दो तो ठीक है, इस चीज को अंदर ही रखते हैं। तो ऐसे ही कुछ था, क्या ही मैटर करता है जिनने टॉप किया वो कौन से IT में ठीक है। तो क्या हुआ, 12th में आया, 12th की पढ़ाई सही चल रही थी, इंग्लिश भी मिस्टर परविंदर सर बहुत बढ़िया, लिटरली हम दोनों थे, बनाया उन नहीं, हम बनाया है, टीचर्स नहीं बनाया, सच में हम लोग ने जो भी था लाइक टीचर्स नहीं बनाया। तो 12th में बस यही था कि खाओ, उठो, पढ़ो, सो, घूमो,
बस इन काम के अलावा कोई काम ही नहीं मजे था। लेकर हम लोगों ने बढ़िया पढ़ाई रात करी है। रात भर पढ़ते थे, सुबह उठे चाय वाय पी के आए, अगर नींद आ रही सो गए, नहीं तो फिर पढ़ने बैठ गए। एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि हम जब तैयारी कर रहे थे ना 12th में, तो यार ना प्रिंस ने, ना मैंने, ना समरान ने, तीनों ने अपना इंस्टाग्राम डीएक्टिवेट करके रखा था, सोशल मीडिया से फुल कट ऑफ थे। तो यार भाई अगर आप लोग सोचते हो ना कि ये इंस्टा वगैरह से कुछ होता है, तो भाई हाँ भाई बिल्कुल कुछ होता नहीं है। था भाई, मतलब होता है कि मतलब हटा दो तो अच्छी बात है, प्रिपेरेशन 10 times हो जाएगी तुम्हारी। मैं अभी बता रहा हूँ, मैं अभी आया 1 महीने चलाया, मुझे बहुत अजीब सा लगा था इनसे चलाते, ऑब्वियसली। तो अभी मैंने कम कर दिया था। आप तो क्या चलाना ही नहीं है। चलिए हम बाद में आएंगे, अभी तो अब हाँ बता, कंटिन्यू करो। सॉरी। तो क्या होता कि 12th में बस यही काम थे हम लोगों को, सब छोड़ कर। प्लस क्या है कि मेरा फोन ही सपोर्ट नहीं करता था। एक ये भी था, मेरा फोन था जो पुराना था वो सपोर्ट भी नहीं करता था। उस टाइम में नहीं था मेरे पास। हाँ तो हम लोग प्रीबूट अच्छे गए, सब कुछ आ रहा था। तो देन आई मेट विद अनदर गर्ल, तो क्या है केम इंटरेक्शन में था, तब भी ये था कि बस ये इतना समझ में आ गया, इतनी मेंटल इंडोरेंस था, मेंटल मैच्योरिटी थी कि अपना काम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई वॉज टेक टू माई बोर्ड, आई वॉज टेक टू माई एंट्रेंस। तो पहला एंट्रेंस दिया मैंने, वो डेट थी 14 नवंबर 2021 को दिया था, चिल्ड्रंस डे था उस दिन। चिल्ड्रंस तो कुछ पता नहीं था कैसे एंट्री तैयार करनी थी, पर कुछ ना कुछ करके चला गया था वहाँ पर। मैं जयपुर पेपर देने गया था। एनडीए का ना, हाँ एनडीए एंट्रेंस था मेरा वो वाला पहला। मैंने भी दिया था, मेरा अपनी नहीं हुआ था। हाँ तो एनडीए एंट्रेंस देने गया, वहाँ पे गया, देखा कि ये सब पता चल गया था कि पेपर ऐसे नहीं दिया जाता। ये क्या है, बोर्ड ओरिएंटेड तैयार थी। प्लस ये था कि उस टाइम पे ये था कि टर्म वन टर्म टू का कॉन्सेप्ट था, तो आधी मैथ्स आधी थी। प्लस क्या है, उतनी उतना टाइम ही नहीं मिल पाया था, पता भी नहीं था, क्योंकि यहाँ पे कोई था ही नहीं जो गाइड कर सके सही कि बात। ऐसे तैयारी करनी वैसे तैयारी करनी। तो वो होता है ना कि धुएं में लठ मारना, तो वही चल रहा था कि यहाँ से ये पढ़ लिया, वहां से ये पढ़ लिया, बस पढ़ रहा था लेकिन ये नहीं पता। एक देखो हाँ क्या पढ़ना कॉन्फिडेंट, एग्जैक्ट, हाँ वो क्योंकि डायरेक्शन नहीं थी। एनडीए एंट्रेंस क्या है, यूपीएससी कंडक्ट कराता है तो, और यूपीएससी का क्या है कि कुछ फिक्स नहीं है, सिलेबस ऐसा है, सिलेबस है एंडलेस, सब कुछ पढ़ना है, मतलब हिंदी छोड़ के आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं। और ठीक है पेपर देने, और देखा वहां पे गर्मी ये में कितने 120 120 मैथ्स में आते हैं, 150 उसमें आते हैं, जीएटी दूसरा पेपर होता है। एनडीए एंट्रेंस जो होता है आपका पहला मैथ्स का पेपर होता है, एमएटी है, मैथ्स एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं उसे। उसमें आते हैं 120 क्वेश्चंस, तो वो आपका 2.5 मार्क्स ईच क्वेश्चन होता है, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3। तो एनडीए एंट्रेंस, एनडीए और जो दूसरा पेपर होता है जीएटी, उसे बोलते हैं जनरल एबिलिटी टेस्ट। तो उसमें आपके 150 क्वेश्चन होते हैं, 4 मार्क्स ईच, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग। तो इंडियन एंट्रेंस का ये रूल होता है कि अगर आप मैथ्स पेपर पार नहीं करते हैं, मैथ्स पेपर क्वालिफाई नहीं करते हैं, तो आपका दूसरा पेपर चेक ही नहीं होना है। अब मैं गया मैथ्स, मतलब बोर्ड तक की आती थी, कॉम्पिटेटिव लेवल की उतनी ही नहीं, नहीं उतनी यार पढ़ी ही नहीं नहीं थी। पढ़ी है बंदे। कॉम्पिटिशन के लिए तगड़ी मैथ्स आनी चाहिए उसमें, प्लस आपकी स्पीड एक्यूरेसी हर चीज़ होनी चाहिए उसमें। गया 40 क्वेश्चन आए 120 वैसे। तो गया समझ में आ गया था कि होना नहीं है, पर हिम्मत नहीं आ रही, गया जीएटी दिया, जीएटी थोड़ा बन उस गया था। टाइम पे हम लोग का ऐसा था, हम लोगों ने लाइक शायद फर्स्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम हाँ दिया था, हाँ और ऐसा था कि अगर 60 क्वेश्चन आया तो हम लोग 80 करके आए थे। ऐसा चीज था कि मेरा हाँ मेरा पहला कॉम्पिटिटिव था, इससे पहले मैं ओलम्पियाड भी दिए। हाँ इसने दिए, मैंने नहीं दिए तो थे। मैथ्स में मैं सेकंड राउंड के लिए भी गया हूँ, उसमें उसमें गोल्ड मेडल है मेरा। और क्या कहते एक कंप्यूटर वाला होता है नेशनल साइबर ओलम्पियाड, उसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक 43 थी, और यूपी उत्तराखंड में मेरी ऑल इंडिया रैंक 7 थी। उसमें मेरे को बोनस प्राइज वगैरह सब कुछ मिला था उसमें। तो ओलम्पियाड में सही कर झंडे रहे तो हैं, गाड़े पढ़ाई थे। करो थोड़ा, फ्लेक्स करो ऐसे अच्छा पॉडकास्ट में। हमारे पास कुछ नहीं है, हमने ना कोई ओलंपियाड ना कुछ, हमारे पास जो है ये है बस, और दिस कुछ इज नहीं, एवरीथिंग। बस ये। एक तो ये हुआ, तो मैं कॉम्पिटिटिव पेपर देने गया था, साथ में मेरे जिया जी गए थे। चीज मैं कहना चाहूंगा कि पता बात क्या है, हम लोगों को इतनी अवेयरनेस ही नहीं थी कि हम लोगों को पता ही नहीं होता था कि यार क्या होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम। 10th से पहले मुझे नहीं पता था जेई के आईआईटी जेई क्या होता है, 10th तक भी नहीं पता मुझे, 11th में पता लगा था, मैंने मूवी वगैरह देखी थी कोटा फैक्ट्री और जीनियस, तो मुझे पता लगा था। लाइक हम लोग की झांसी में इतनी अवेयरनेस नहीं है जितनी बाकी शहरों में, दिल्ली में है, लखनऊ में, इलाहाबाद में, इतना हम लोग के में नहीं है। हम लोग का लाइक थोड़ा झांसी थोड़ा सा कह सकते हो कि एजुकेशन के मामले थोड़े से पीछे है। यहाँ पर बस ये है कि गवर्नमेंट जॉब मिल जाए लड़के को, लड़का सेट है, पर हम सारी लोग का थोड़ा अलग है, थोड़ा हम हमारा लोग अलग था। थोड़ा ऊपर चाहिए था सब कुछ तो तो। वहाँ एंट्रेंस देख के आया, मुझे पता गया था कि मतलब होना नहीं है। हाँ तो उसके बाद रिजल्ट देखा, तो वो होता ना कि मतलब इतनी नहीं, और मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए। तो तब से फिर बैठा। फिर क्या है कि हमारा बोर्ड चल रहे थे,
टम 1 दो 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 टर्म में पार्ट, हुए थे हम दो लोग, हम पार्ट्स लोग हुए कोविड थे। वाले टाइम के हाँ क्योंकि, पर पेपर पेपर सारे दिए दिए थे थे, हमने ऐसा नहीं सारे सोचना कि पेपर नहीं दिए, सारे पेपर दिए। 20 में दिया था 10th का और 22 में दिया था 12th का। ठीक है, टम 1 हो गया था बोर्ड्स का, उसमें सही नंबर आए थे, मतलब सही आया कंसिडरेबल सही नंबर आए थे, था, पर ये था कि अब जिम्मेदारी दोनों की थी। सही बात है। फिर अगला एंट्रेंस था मेरा 10th अप्रैल को, ठीक है, तो उसमें जान लगा दी तैयारी के लिए। तो तब तो मैं करके आया था मैथ्स में 80 क्वेश्चंस, क्योंकि 40% मार्क्स आप लाओ तो क्वालिफाई हो जाते हो, 40%, ठीक है। तो मैथ्स मैथ्स मेरा अच्छा गया था, GAT मेरा बहुत प्यारा गया था, उसमें उसमें 150 है और करीब 100 क्वेश्चंस करके आया था। तो मेरा ओवरऑल मैंने चेक किया कि बोर्ड से पहले रिजल्ट आ गया था उसका, मतलब मई में रिजल्ट आ गया था कि हाँ रिटर्न क्वालिफाई हो गया। तो उस मतलब उस चीज़ ने एक बूस्ट दिया था कि चलो एक चीज़ निकाल ली कि अब अगला स्टेप है बोर्ड्स, अब बोर्ड्स पे ध्यान देना है। तो उस टाइम पे मैं अपनी दीदी के यहाँ पे था, दीदी यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहा था हर चीज़। तो वहाँ भी क्या है वो सो ब्लेस्ड के काफ़ी सपोर्टिव फ्रेंड्स, काफ़ी सपोर्टिव फैमिली मिली है। तो वहाँ पर रहता था, बस पढ़ता था, और मेरा कोई काम नहीं था वहाँ पर, तो वहाँ पढ़ता था, काफ़ी पढ़ता था। तभी है भाई यहाँ पर ऐसे, मतलब देखो जो मेहनत थी वो इसे पता है। ठीक साथ है, में रिलेशन वगैरह वो भी मेंटेन हो रहा वो था, भी कर रहा था लड़का। सब कुछ हो रहा था, अब तो भाई दो सिंगल हो गए थे, एक बार ठोकर मिली फिर बस IIT पहुंचे, बस खत्म। दोस्ती मेंटेन कर रहा, सब कुछ मेंटेन कर रहा था। तो समझ हमारा ये गया रहता था ना, रिलेशन में पहले धीरज भाई आते थे, फिर मैं आता था, फिर सम्राट आता था, एंड सो द साइकिल समझ फॉलो द ब्रेकअप। पहले भाई का ब्रेकअप होता था, फिर मेरा ब्रेकअप होता था, फिर सम्राट का ब्रेकअप होता था, गया। ठीक है। तो ये ऐसा हुआ, साथ में सब कुछ सही चल रहा था, सब बढ़िया चल रहा था। मैनेज कर रहा था हर चीज़। बोर्ड्स दिया, बोर्ड से पहले आ गया था जैसे बताया, रिटर्न का आ गया था कि हाँ ठीक है रिटर्न हो गया है। तो फिर लगा कि SSB क्या किया जाए, तो मतलब एक अंदर से पहले जोश आया कि अकेले ही करते हैं SSB की तैयारी। फिर क्या है, SSB बहुत बड़ी चीज़ है, अगर आप गूगल पर सर्च करो टफेस्ट टेस्टिंग प्रोसीजर ऑफ द टेस्टिंग वर्ल्ड है, प्रोसीजर, कि आप 5 दिन की साइकिल से टेस्टिंग से गुजरते हो, तरह तरह के टेस्ट, तरह तरह के साइंटिफिकली डिज़ाइन करे जाते हैं बाय प्रोफेशनल्स, और काफ़ी छटाई होती है उसमें, दोस्तों भी बताऊंगा। तो क्या हुआ, SSB का पता नहीं था, एक बुक मंगा ली, बुक पढ़ रहा है SSB की, सब कुछ कर रहा। तो बोर्ड्स हो गए, बोर्ड्स बहुत अच्छे से गए थे, एंड आई गॉट 93.6% इन बोर्ड्स 12th में। तो 93 पॉइंट, सिक्स ठीक है भाई 2 ही % ज्यादा है लेकिन 2% के पीछे जो मेहनत होती है ना वो जानता, वो हम नहीं जानते। ठीक है, देखो भाई जितने भी तुम्हारे परसेंटेज बढ़ रही है ना उसके पीछे मेहनत होती है, हर एक दिन की मेहनत होती है, ठीक है, हर एक रात की मेहनत होती है। तो तो SSB देने गया, तो आई गॉट स्क्रीन आउट ऑन फर्स्ट। मतलब SSB ये होता है कि आप जाओ तो पहले दिन 3 टेस्ट होते हैं, तो उसमें सिर्फ 20-30% ही बच्चे बचते हैं, बाकी सबको निकाल लेते हैं। तो मुझे भगा दिया था वहाँ एक ही दिन में से वापस आ गया था ये। भोपाल गया था, मेरा था 22 SSB भोपाल, वहाँ से पहले दिन स्क्रीन आउट हो गया था मैं। मतलब एक सेटबैक लगा था, पर ठीक है, लग रहा था कि नहीं कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगा, समय समय की बात होती है, समय की बात है। तो फिर तब लग और रहा था ऐसे कि भाई बिल्कुल ही सब खत्म हो गया, सब ऐसे ही हो गया, लाइक बहुत ज्यादा टूट सा गया था ये। और घर पे भी क्या हुआ था बता सकते हो? घर पे कुछ नहीं, बस आया शाम था, मम्मी ने पूछा ठीक है हो जाएगा बाद में, मतलब घर वाले भी कुछ नहीं कह रहे थे, पर दोस्त लोग भाई लोग ही रहते हैं तो कहते हैं कि नहीं यार, मतलब इनकी सबसे अच्छी चीज़ ये लगती थी, कहता यार तू प्रिंस है, मतलब ये चीज़ मुझे भी डायलॉग समझ में नहीं आता, पर ये चीज़ अभी फील होती है कि लड़के कहते थे कि भाई तू कर लेगा, तू प्रिंस है तू कर लेगा। मैंने हर जगह बताई है, मेरे बंदे यही बोलते थे कि तू कर लेगा, ये सम्रांत हुआ, सब कॉल पे रहते थे हम लोग हमेशा, तो लोग नहीं तो यार हो जाएगा भाई हो मजाक से जाएगा। हट के एक बात बताना चाहूंगा कि लोग अपनी गर्लफ्रेंड से 6-6 घंटे बात करते होंगे, हम भाइयों से छह छह घंटे हाँ, बात भाई से छह करते घंटे थे बात अभी भी करते अभी अभी भी हैं करते हैं हम लोग। रात में 9:30 बजे का हम। प्रिंस सम्रांत का कॉल आ जाएगा, वीडियो कॉल रोज बात चलती है, अभी भी चलती है। तो तो कॉल पे रहते थे हम लोग, बोला कि नहीं भाई हो जाना है। तो फिर क्या है कि मेरा था SSB 14 अगस्त, 14 अगस्त 2022 को मेरा SSB था, तो मैं स्क्रीन आउट हो गया था, उसी दिन वापस आ गया था। फिर वापस मेरा 10 सितंबर को दूसरा एंट्रेंस था, ये 150 कोर्स के लिए, तो बस कुछ नहीं रिवाइज करके ही गया था। इसकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो मतलब हर चीज़ में क्या है कि लग रहा था कि अब डिफिकल्टीज आ रही, दीदी ने यही बोला था कि अब ये इतनी डिफिकल्टी आ रही तो कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है। तो उस दिन क्या था कि जिस दिन एंट्रेंस था 4th सितंबर को, तो मैं क्या है मैंने अलार्म लगाया, फ़ोन लगा दिया चार्ज पे, और मेरी 6 बजे की, मेरी 4 बजे की ट्रेन थी, मैं उठा 6 बजे, वो मुझे ग्वालियर पहुंचना था 8 बजे, क्योंकि मेरा ग्वालियर में एंट्रेंस था। तो हर्ष भाई है और केतन भाई आए बुलाने, ये पहले स्टेशन पहुंच गए थे, ये भी साथ में एंट्रेंस देने जा रहे थे, पर बंदे
स्टेशन से वापस मेरे लिए आए, इनकी इनकी ट्रेन छूट गई, ये वापस आए मेरे लिए, इन्होंने मुझे सुबह उठाया कि भाई उठ जा क्या कर रहा है। तो मैं उठा, मैंने कहा भाई 6 बज गया, मैं क्या करूँगा, मैं कुछ नहीं नहाया वाया कुछ नहीं, उठाया बैग वैग उठाया, बस मम्मी पापा से मिला, चला गया एंट्रेंस देने। वहाँ से हमें कोई पता नहीं नाम मुझे याद नहीं, रैंडम ट्रेन मिली, हम बाथरूम के वहाँ पर खड़े होके, हम सारे बंदे गए खड़े होके, हम ग्वालियर गए। स्ट्रगल भाई। सुबह ना कुछ खाया था ना कुछ पिया था, वहाँ गए स्टेशन में बस एक चाय पी और सब अपने अपने सेंटर्स के लिए चले गए। मेरा सेंटर था 8 किलोमीटर दूर, मैंने टैक्सी पकड़ी गया। वो सेंटर ऐसी जगह था, सिर्फ एक स्कूल था और एक हॉस्पिटल था और सिर्फ जंगल था वहां पे। भाई आपको ऐसी पूरा जगह ही होते भाई सारे। खुला खुला एरिया था कि मतलब गर्मी थी, गर्मी बहुत पड़ रही थी उस टाइम पे। तो गया, अब बैठा पेपर देने, भूख भी लग रही थी बहुत, लेकिन ये है कि पेपर निकालना था, तो बैठा पेपर दिया, पेपर आया काफी टफ। ये थर्ड मैं वाला था ना तुम्हारा, हाँ, ये थर्ड एंट्रेंस थर्ड था अटेम्प्ट मेरा, था ये भाई। एंट्रेंस थर्ड था। तो गया बैठा पेपर दिया, तो मैं तो मतलब मैं जैसा सोच के गया था वैसा पेपर नहीं आया था, 10-15 क्वेश्चन कम ही कर पाया था उससे एज एक्सपेक्टेशन। तो मुझे लग रहा था कि यार क्या ही हो क्या हो, तो मतलब एक टाइप से होप छूट गई थी। मतलब वहाँ बैठा मैं धूप में, क्योंकि आपका जब 2.5 घंटे का पेपर हो जाए, बीच में 1.5 घंटे का ब्रेक दिया था, फिर उसके बाद फिर से 2.5 घंटे का पेपर होता है। वहाँ बैठा होप टूट गई थी कि यार अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए। तो मैं गया एक हॉस्पिटल, वहाँ पर हॉस्पिटल था, मुझे चक्कर आ रहे थे। मैंने कहा यार हॉस्पिटल है, ORS तो मिल ही सकता है, तो मैं गया वहाँ, ORS भी नहीं मिला। तो एकदम से मुझे ख्याल आया, मतलब मैं ये भी सोचा था कि यार छोड़ो चले जाते हैं, अगले एंट्रेंस तैयारी करेंगे, छोड़ो छोड़ो, पर अंदर से कहीं आवाज़ है यार अगर मेरा मेरा ऐसा पेपर गया तो बाकी का भी तो ऐसे गया होगा। ऐसे बाकी थोड़ी जेम्स बॉन्ड ने कि यार मुझे ही नहीं आया, तैयारी मैंने भी करी, तैयारी उन्होंने भी करी है। तो यार कि चलो देखो, हर्ष और गेतन भाई पेपर दे ही रहे थे, मैंने कहा स्टेशन पहुँच के मैं करूँगा क्या 2.5 घंटे, मतलब कि रिग्रेट ही होगा कि मतलब ट्राई नहीं किया, क्यों गिव अप करो फालतू में, अगर तब इतना सब इतने आगे आ ही गए हैं। मैंने कहा चलो GAT और दे देते हैं, GAT भी अच्छा आएगा। पर ये क्या है कि तैयारी उस टाइप की हो गई थी कि मतलब पेपर निकल सकता था। तो मैंने पेपर दिया, मेरा साइंस अच्छा गया, मेरा इंग्लिश अच्छा गया, क्योंकि GAT में ऐसा होता है 50 क्वेश्चन इंग्लिश के आते हैं, 50 क्वेश्चन साइंस के आते हैं, 50 क्वेश्चन हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी पॉलिटी करंट अफेयर सब कुछ आता है। तो इतना कवर हो गया था मेरे, 80 के अराउंड मैंने क्वेश्चन कर लिए थे सही वाले, क्योंकि 120 मेरी में से भाई हाँ, तो मेरी ये आदत थी कि मैं कभी तुक्का नहीं मारता था, जिसमें मैं 100% श्योर हूँ वही करता था। अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है तो वो तो गलत हो गई, प्लस वन वन बाय वन बाय वन थर्ड हो बाई गया थ्री मतलब अलग कितना हो आपका, गया। 1.33, मतलब एक क्वेश्चन गलत करने में आपका -5.33 हो जाना है। सही बात है। तो ये करके आया, बस वहाँ पे बताया कि यार सही है पेपर, मतलब दोस्त मिले वहाँ पे, वहाँ से पकड़ी ट्रेन, उसमें भी सीट नहीं मिली, तो उसमें भी हम लोग खड़े खड़े आए, तो पैर बिल्कुल हिल रहे थे। तो क्या है कि एक भाई है अनुराग, उसके पापा का था रिटायरमेंट, मैंने उसे प्रॉमिस किया था कि भाई कुछ भी हो मैं आऊँगा जरूर। तो मैं गया, घर पहुँचा, उसका फ़ोन आया कि भाई आ गया, मैंने कहा आ तो गया, आ रहा हूँ, भले मुझे चलने की हिम्मत नहीं थी। मम्मी पापा ने पूछा कैसा गया, मम्मी सही गया, मतलब मम्मी ने क्या होगा, मैंने पता नहीं क्या होगा, मैंने कहा मैं दे आया। तो मम्मी कहती ठीक है, कहती जो होगा देखा जाएगा। तो मस्त बढ़िया गया दोस्त पापा के रिटायरमेंट में, वहाँ गया एंजॉय किया, वापस आया अपना। फिर 15 दिन बाद रिजल्ट आ गया, 19th of September। उस दिन भी ट्रेजिडी हुई थी, कैसी कि मैंने PDF खोल के देखी, मैंने अपना रोल नंबर किया सर्च, मुझे मिला नहीं। हाँ तो हर्ष भाई, मैंने बताया जो मुझे उठाने आया था, हर्ष भाई का फोन आया, कह रहा भाई क्या हुआ, मैं कह नहीं हुआ, कह रहा ऐसे कैसे नहीं हुआ, कह रहा मेरा नहीं हुआ वो समझ में आता है, कह रहा तेरा कैसे नहीं हुआ। मैंने कहा नहीं हुआ, कह रहा हट मैं चेक करता हूँ। मैं कहा ठीक है भाई तू चेक कर ले, मैं तो उदास ही बैठा था, मैं ठीक है अगले एंट्रेंस तैयारी कर लेंगे। तो वहां से फोन आता है, 3-4 सुनहरे शब्द बोले भाई ने, कहता भाई ऐसे कैसे हो गया है तेरा। मैंने क्या, तो आई वॉज कम्प्लीटली शॉक्ड कि यार सच में। तो भाई ने बताया कि यार हो गया है, मैंने वापस खोल के देखा, मैंने कहा वो तो सच में गया है। अबे क्या सर्च करने पे पता नहीं आया? नहीं यार मुझे सच में नहीं मिला उसे, मुझे कुछ लगा बुद्धि है बेवकूफी भाई। हो गई थी। अच्छा है सुसाइड नहीं करी उसने उस समय पे। अरे इतना 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 स्ट्रेस तो क्या करेगा, इतना तो खुद, इतने तो नहीं इतना है, तो खुद तो भरोसा है, इतने तो पता है भरोसा है पढ़ाई ना, कर लेंगे कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। तो फिर मैंने सोचा कोटा कि में थोड़ी यार पड़ रहे। आगे हाँ, तो मुझे लगा कि यार चलो एंट्रेंस निकल गया, इस बार SSB कोचिंग चले जाएंगे। तो क्या है कि साथ में आशिकी में भी डूबे थे, तो अपना सितंबर बर्बाद कर लिया, अपना अक्टूबर बर्बाद कर लिया। फिर मैं गया कोचिंग 31 अक्टूबर को कोचिंग गया, एंड दैट वाज द लास्ट डे आई सॉ हर। ठीक है, तो हम मैं कोचिंग गया, मैं 21 डेज का पूरा पैकेज था, कम्प्लीटली टाइट पैकेज शेड्यूल था वहाँ का, सुबह 9 से रात के 9 तक,
आपका हर चीज़ होगा वहाँ पे, साइक के टेस्ट, GTO के टेस्ट, करंट अफेयर्स, हर चीज़ चलती थी वहाँ पर, इंटरव्यूज भी चलते थे। तो 21 दिन वहाँ लग के मेहनत करी। इसमें साथ में मैं, मेरा रूममेट पीयूष था, वो भी INA में, वो NDA में रिकमेंड हुआ था, पर मेरे डाउट हुआ, उसने फिर से NDA दिया, वो नेवल अकेडमी में। ठीक है, मैं एक और कोर्स में, हम लोग साथ जो 31 अक्टूबर वाले बैच में थे, तो आयुष श्रीवास्तव है, वो AFGD में, हम साथ में ND 150 कोर्स में है, तो हम सेंचुरियन के काफ़ी गए थे वहाँ पर, इंडिया में पहुँच गए फाइनली। ठीक है, तो वहाँ मैं गया, SSB की तैयारी करी, सब कुछ वहाँ पे थे, एयर कोमोडोर VK चतुर्वेदी, एयर कोमोडोर आर्मी में ब्रिगेडियर इक्विवेलेंट होती है रैंक, आप कॉलर स्टार रैंक होते हैं, काफ़ी अच्छे थे। उन्होंने मेरा इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने उस दिन बोला था कि यू हैव हैंडसम चांसेस ऑफ सिलेक्शन, उन्होंने उस दिन बोला था। मैं कहा ठीक है यार, और करी जाएगी। तो मैं 21 दिन की कोचिंग करी, बाद में घर आ रहा था, देन आई हैड माई ब्रेकअप बिकॉज जस्ट अ नॉर्मल गाय, आई वॉज डूइंग BSc फ्रॉम यहाँ, एंड बीकेडी, नहीं, बीबीसी बीबीसी, बीबीसी बीबीसी, बीबीसी बीबीसी। और वो बाहर पढ़ रही थी, तो पता नहीं क्या सरकमस्टेंस बने, तो हमने वी पार्ट आर वेज, तो ठीक है, गया सेटबैक, तब भी भाई साथ में रहे, कुछ भी हुआ भाई साथ में, सारे भाई साथ में। तो फिर ये है कि यार चलो, ये हुआ जो हुआ, SSD नहीं छूटना चाहिए। उधर मैं हर जगह लिख के घूम रहा, COY था, कैडेट ओवर ईयर, लोग बस अपनी ईयर कंप्लीट करेंगे, मैं कैडेट बन के दिखाऊंगा। तो उस टाइम पे बस वो आग नहीं लगती है, ऐसे यूपी वाले, हर यूपी वाला वो मूवी देखता है कि शादी में जरूर आना, तो वो मैंने वो भी देखी, तीन चार बार देखते हैं, वो दिन तीन ना में बहुत देखते हैं वो बहुत मूवी। देखते हैं। तो मतलब ऐसा नहीं था कि यार अब ये, कि अब कुछ खुद को तो बनाना ही है, क्योंकि ये दिस वॉज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि आप 8 लाख बच्चे एंट्रेंस में बैठ रहे हो, 8,000 में आप आ रहे हो, दो सही बार से बात, आ रहे हो, ऐसा तो है नहीं है। और जब पहले से भी देखे आया था भोपाल वाला, तब लगता था कि नहीं थोड़ा घिसूंगा तो आ जाऊंगा, तो वहाँ प्रिपरेशन करके आया था, लगता था कि यार आ तो जाऊंगा। तो फिर अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी, हर चीज़ वहाँ पर मिला, मैं एक लड़की से, वहाँ था सलोनी राणा नाम है उसका, शी वॉज ऑल्सो ND रिटर्न क्वालिफाइड, शी वॉज ऑल्सो ND रिकमेंडेड फ्रॉम 34 SSB इलाहाबाद, बट अनफॉर्चुनेटली शी वॉज मेरा डाउट, बिकॉज लड़कियों की सीट्स बहुत कम होती हैं, तो वो जा नहीं पाई। बट उसने पहले अटेम्प्ट में CDS का रिटर्न निकाला, बहुत बड़ी बात बहुत होती बड़ी है। बात है। तो हम दोनों साथ में प्रैक्टिस करते थे, काफ़ी प्रैक्टिस करते थे, मतलब सुबह से उठ के रात तक SSB की प्रैक्टिस ही कर रहे हैं। SSB आपको बहुत पढ़ना पड़ता है, आपके साइक के टेस्ट, करंट अफेयर्स छोड़ो, पूरी वर्ल्ड अफेयर्स पढ़नी पड़ती है कि दुनिया में क्या हो रहा है, प्लस आपको फिटनेस भी मेंटेन करनी है, क्योंकि हर चीज़ होती है, क्योंकि हर चीज SSB है। होती है। तो मेरा SSB था, इस बार आया था मेरा बैंगलोर में, 17 SSB बैंगलोर, वो डेट थी, मैं 29 को यहाँ से गया था, नहीं 27 को गया था, मेरा 29 को था SSB, रिपोर्टिंग थी मेरी बैंगलोर में, तो गया, रिपोर्टिंग थी, तो रिपोर्टिंग थी 82 बच्चों की, 82 कैंडिडेट्स ने रिपोर्ट किया था वहाँ पर। तो हमारी स्क्रीनिंग हुई, मुझे लग तो रहा था कि स्क्रीनिंग हो जानी, क्योंकि जहाँ हम कोचिंग में प्रैक्टिस करते थे, वहाँ हम साथ में बैठते थे 30 30 बंदे, वहाँ मैं 30 बंदों में सेलेक्ट हो जाते थे, हम 30 में दो तीन ही गिनती में आ जाता था, तो यहाँ तो 10 ही बैठने हैं, 10 में तो आ ही जाऊँगा, क्योंकि तो अगर आप 30 बच्चे बैठ रहे हो, 30 में आप 3 सेलेक्ट हो रहे हो, क्योंकि जो मतलब डिस्कशन होता है वहाँ पर, क्योंकि आप ऐसे, आप होता है कि आपके सेंसेस चेक किए जाते हैं, आपकी आइडियोलॉजी चेक करी जाती है ऑफिसर क्वालिटीज़ के साथ, तो आपको एक फ़ोटो दिखाई, उस पर एक स्टोरी लिखो, 4 मिनट में आपको स्टोरी पूरी लिखनी पड़ती है, 30 सेकंड में फोटो पूरी आपको जज करनी है, कितने कैरेक्टर, क्या जेंडर, क्या उनका क्या मूड है, क्या क्वेश्चन बन सकता है, तो मतलब ऐसा होना चाहिए कि जो आपने स्टोरी बनाई, तो काइंड ऑफ आप एक फ्रेम लो, स्क्रीनशॉट लो, तो वो फोटो आनी चाहिए, सही, प्लस पॉजिटिव स्टोरी होनी चाहिए, पॉजिटिव आउटकम, काफ़ी इसके पैरामीटर्स होते हैं, तो स्टोरी पूरी पैरामीटर होनी चाहिए, 4 मिनट आप कंप्लीट भी करनी है स्टोरी, फिर डिस्कशन पार्ट आता है। तो वहाँ मैं बैठा, मैं अपनी कोचिंग में कभी एज अ लीडर नहीं चुना गया था, मतलब क्या होता है, जब आप डिस्कस कर लेते हैं, कॉमन स्टोरी पे आ जाते हो, तो एक लीडर चुना जाता सही। है, जो जो आपके तीन बैठते हैं सामने, एक इंटरव्यूअर, एक GTO, एक साइकोलॉजिस्ट, 3 बंदे सामने बैठते हैं, और प्रेशर होता है, बहुत बहुत प्रेशर होता है, कि आप उनकी तरफ देखोगे तो आती हुई चीज़ भी भूल जाएगी। तो वहाँ मुझे एज अ लीडर चुना गया, तो मैंने अपनी स्टोरी नरेट करी, गया, फिर हम लोग लंच के लिए भेज दिए गए, तो फिर लंच करके आए, थोड़ा ये था कि यार स्क्रीन आउट होगी तो नहीं जाना, इतनी दूर आया हूँ, पहले दिन वापस तो नहीं जाऊँगा, अपने पापा के साथ भी आता, पापा बाहर ही बैठे थे वहाँ पर, तो क्या है कि रिजल्ट आया,
तो मुझे मिला चेस्ट नंबर 17। जिस दिन रिपोर्टिंग हुई उस दिन मुझे मिला था 60, ठीक है। फिर स्क्रीन इन होके मुझे मिला है 17, मेरा फेवरेट क्रिकेटर का नंबर, एबी डिविलियर्स का। तो फिर पापा बाहर थे क्योंकि तो मुझे बाहर जाने नहीं दिया, मेरे फोन्स भी जमा थे। पापा को फोन किया, पापा हो गया, पहले दिन का हो गया पापा। तो पापा वापस जा रहे थे, तो मैंने पापा को बताया। पापा ने इतना बोला कि भैया अब जो भी करना अच्छे से करना, जितनी प्रिपरेशन करी है अपना 100% करा, ठीक है। ज़्यादा वो 1 मिनट ही बात हुई थी बस, तो ठीक है। वहाँ बात हुई, हमें हमारी डॉर्मेट्रीज दे दी, अपने डॉर्मेट्रीज में चले गए, वहाँ बैठे बस यही सोचा था कि नहीं अब देखो आए हैं मैदान में उतर ही गए तो खेल के जाओ यहाँ से। जाओ हाँ, और क्या, सही बात है। तो प्रिपरेशन करी थी, काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन करी थी हम लोगों ने। तो अब गया हमारा साइक हुआ, साइकोलॉजी बढ़िया गया। मतलब क्या है कि लोगों के छूट जाते हैं साइकोलॉजी में, देखो बताता हूँ क्या होता है। साइकोलॉजी में 4 टेस्ट होते हैं। पहला होता है TAT, थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट। अब जैसे जो आपकी स्टोरी बनानी पड़ती तब तो स्क्रीनिंग में 1 थी, अब यहाँ हो जाती है 12। 30 सेकेंड को फोटो दिखाई, 4 मिनट में स्टोरी बनाओ, और लगातार 12 आई हैं ऐसी, और आपको बिल्कुल रेस्ट नहीं मिलना है, तो हाथ की नस बाहर आ जाती है। तो समझ एक TAT मतलब आपको 12 अलग अलग प्रकार की दिखाई, आपका स्टिमुलस चेक किया जाएगा कि आप किसी देख के आपका क्या रिएक्शन होता है किसी चीज़ को देख के। तो उसमें आपको ऑफिसर लाइक क्वालिटीज जज होनी चाहिए, होती हैं आपकी। फिर अगला होता है WAT, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। एक वर्ड दिया जाएगा, 15 सेकेंड में उसको देखो, उस पर एक सेंटेंस बनाओ, ऐसे 60 वर्ड दिए जाते हैं। फिर आता है SRT, एक बुकलेट दी जाएगी, SRT स्टैंड फॉर सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, ठीक है। तो आपको सिचुएशन दी जाएगी, उसके रिएक्शंस लिखने पड़ते हैं, वो भी 60 दी जाती हैं 30 मिनट में, लिखना बहुत है। फिर आता है आपका SD, सेल्फ डिस्क्रिप्शन, उसमें पेरेंट्स ओपिनियन, टीचर्स ओपिनियन, सेल्फ ओपिनियन, फ्रेंड्स ओपिनियन, ये लिखने पड़ते हैं 15 मिनट चारों। तो ये दिया, हाथ ही पूरी नस बाहर आ गई थी, पर ये था कि पूरा कंप्लीट कर ले, क्योंकि लोग कंप्लीट ही नहीं कर पाते सही इतना, बात है। आधे से ज़्यादा लोग। तो मैंने कंप्लीट कर लिया था पूरा अच्छे से, मतलब ये था कि एक्सपेक्टेशन के अराउंड चला गया था, तो मैं खुश था कि हाँ चलो ये गया है। पर क्या है कि जैसे था WAT मुझे 60 करने थे, 60 नहीं कर पाया था, मैं कर पाया था 57। तो मैं उस टाइम छोटी छोटी चीज़ भी मैटर कर रहा था कि यार 3 और कर दो मज़ा आ जाता। पर ये SSB का ये क्लियर करना चाहूँगा, SSB में क्वालिटी क्वान्टिटी के ऊपर कभी मत भागो, क्वालिटी के ऊपर भागो। अब जैसे एक बंदा था, मैं था 57 किया था, एक ने 47 किया था 60 में, तो वो रिकमेंडेड है। जो मेरा पीयूष है बंदा, उसने 60 में से 21 SRTs करी थी, 21, हाफ से भी कम, वो रिकमेंडेड है। और वाह जो बंदे 60 60 कर जाते हैं वो भी रिकमेंडिंग है। भाई, ने 57 करी थी। नहीं मैंने SR नहीं, वो मैंने वर्ड्स किए थे। अच्छा, हाँ वर्ड्स के। SRT मैंने करी थी 37 आउट ऑफ 60, क्योंकि बड़ी होती है। और ऐसा नहीं कुछ भी लिख दिया, उसका पूरा एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है भाई, 30 सेकेंड्स मिल रहा, सही बात है, उसको पढ़ना भी है, उसको प्रॉपर सोचना भी है, प्रॉपर लिखना भी है। और ये बैटरी ऑफ टेस्ट से 3 आ रहे हो, तो हाथ उतना बचता भी नहीं है एंड्योरेंस, सही बात उसके लिए प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ती है। है। तो वो SRTs मेरी अच्छी हो गई थी। बाहर निकला तो वहाँ बताया गया कि आपका इतने इतने चेस्ट नंबर्स का आज ही इंटरव्यू है। मैंने कहा क्या मैंने कहा एक चीज से तो बाहर नहीं आ पाया सरप्राइज सरप्राइज। तो वहाँ लंच करके आया कि बताया इतने इतने चेस्ट नंबर्स का आज इंटरव्यू है। मैंने कहा अच्छा यार, तो ठीक है हो जाएगा। तो मैं था एक कानपुर का है, मेरा कोर्समेट ही है, वो माइक स्क्वाडन में है, कैड हिमांशु। तो हम दोनों मेरा हम लोग साथ में ही थे आगे पीछे, तो हम लोग साथ में कैफे में बैठे थे, कॉफ़ी पी रहे थे। तो हम लोग बुंदेलखंड रीजन से यही मिले थे, क्योंकि बाकी सारे पंजाब या महाराष्ट्र से थे, महाराष्ट्र से। तो बताया कि यार भाई हम बात कर रहे थे, हम लोग ऐसे चलो हो जाए क्रिकेट वगैरह ऐसे ही, मतलब एक दूसरे की नॉलेज टेस्ट कर रहे थे, एक दूसरे से बात कर रहे थे ऐसे। तो गया तो पहला इंटरव्यू मेरा ही था। वहाँ गए तो जो मेरा इंटरव्यू किया तो वो थे कर्नल अमित दुआ, उनका भी नाम याद है मुझे। तो उस टाइम ये हुई थी कि हम लोगों को एक इंटरव्यू रूम में बैठा दिया जाता है, उससे पहले वेटिंग रूम में। तो हम 3 बंदे बैठे थे। अब क्या हुआ कि जब मेरी बारी आई तो क्या है कि आप मैं ऊपर बैठा था, और वो इंटरव्यू ले थे नीचे वाले फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर पे, मैं फर्स्ट फ्लोर पर बैठा था। तो एक बेल रिंग होती है, फिर एक बंदा आपको बुलाने आता है इंटरव्यू के लिए कि आपका इंटरव्यू आ जाइए। तो बस मैं बैठा हूँ, जो बस मेरी बारी आने वाली है, तो मैं पानी पी रहा था क्योंकि बहुत अंदर नर्वसनेस हो रही थी, क्योंकि नर्वसनेस हो गया है। आप यहाँ पे 1-to-1 इंटरेक्शन होने वाला है। तो अब क्या हुआ कि उस टाइम ही हो गया उसका कर्नल का हो गया टी ब्रेक, और मुझे 15 मिनट तक बुलाया नहीं। अब मुझे ऐसा लग रहा है कहीं इनने बेल कर दी, मैं गया तो नहीं मुझे तो लगा कि मतलब मेरा छूट तो नहीं है, कि वो मेरा वेट कर रहा है, मैं जा नहीं पाया, मैं खुद से नीचे पहुंच गया। तो वहाँ वो जो था अटेंडेंट, उसने बोला आप क्या कहाँ जा रहे हैं। मैंने कहा मेरा इंटरव्यू है चेस्ट नंबर 17 है। तो कहता अभी आप रुकिए, उनका टी ब्रेक है, तब मुझे जान में जाना ही।
तो वहाँ बैठा था, मोटिवेशनल कोट्स लगे थे वहाँ पर, मुझे अभी भी याद है, एक एक कोट लिखा था वहाँ पे, गॉड प्लीज टेक मर्सी अपॉन माई एनिमीज बिकॉज आई विल नॉट। तो बहुत जोश भरने वाला ये मुझे कोट मिला था वहाँ पर। अगर ठीक है चलो, जोश भर गया मैं अंदर क्वाइट कॉन्फिडेंट। तो वहाँ जाके बैठा, उन्होंने मुझे कंफर्टेबल किया, तो पहली बार मैंने बंदा देखा था स्टार्स के साथ। तो अपनी यूनिफॉर्म वगैरह में बैठे थे, स्टार स्टार लगे थे, मैंने यार मजा मान लिया क्योंकि पहली बार मैंने स्टार देखे थे किसी ऑफिसर के लिए, स्टार्स के लिए तो बात ही है। तो मैं गया, उन्होंने मुझे कंफर्टेबल किया, नर्वस था। तो इंटरव्यू में क्या होता है, इंटरव्यू बाकी सब आपकी लाइफ के ऊपर ही होता है। एक PIQ भरवाया जाता है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्वेश्चनार बोलते हैं, पूरी आपकी जन्म कुंडली रहती है सारी डिटेल, तो उस पर ही चलता है इंटरव्यू। तो इंटरव्यू में बुराई कुछ नहीं है, बस ये है कि 2 दिन रैपिड फायर लिया जाता है। रैपिड फायर मीन्स कि आपको 17-18 क्वेश्चन की एक बैटरी रहती है, वो लगातार रख देगा, एक के ऊपर एक के ऊपर एक क्वेश्चन लगातार बोलेगा वो आपसे क्वेश्चन। पर अब क्या करना है कि वही याद रखना है सीक्वेंस, और वही सारे आंसर करने हैं 17-18 क्वेश्चन लगातार उस प्राइम प्रेशर कंडीशन में। तो 2-3 रैपिड फायर पूछे मैंने, 2-3 ही दोनों ही बता सारे बता दिए थे, रैपिड फायर मेरा चेक हो गया था कि हाँ चलो अच्छा जा रहा। तो उनने मेरा 45 मिनट लिया था इंटरव्यू, और मैं रेडी था क्योंकि जो मैंने बताया एयर कोमोडोर ए के चतुर्वेदी थे, उनने मेरा 1.5 घंटे का इंटरव्यू लिया था, 1.5 घंटे का इंटरव्यू झेल लिया था। मतलब आप तब ये था, इतना प्रेशर हो गया था, इतना एडिनलिन रश हो गया था, कोई सामने वाला बंदा नहीं दिख रहा था 1.5 घंटे बाद, क्योंकि भाई प्रेशर बहुत ही हो जाता है सही वहाँ पर। बात सामने जो बैठे थे तो मुझे ऐसा लग रहा था मैं हवा में बैठा हूँ, ना चेयर फील हो रही ना कुछ फील हो रहा। पर 45 मिनट मेरा बहुत प्यारा इंटरव्यू चला था। पर एक बेहतरीन बात ये हुई थी कि उन्होंने मिडल ऑफ द इंटरव्यू में से बोला था कि आई होप यू विल गेट रिकमेंडेड, बीच में ही बोल दिया था उनने। पर जब बाद में जाते हैं तो सबको सबको ये फॉर्मेलिटी बोलते हैं कि तो उन्होंने मुझसे बोला यू आर वेरी गुड कैंडिडेट, यू हाँ यू आर आई होप यू गेट रिकमेंडेड, उन्होंने यही बोला था मुझसे, मैं अभी याद है। ठीक है, मैं शाम को आया, मैंने कहा चलो सही क्या, अगर मेरा एवरेज गया तो मेरा इंटरव्यू मेरा अच्छा गया। तो बेस्ट पार्ट ये था कि जो मुझे बर्डन लग रहा था ना पहले कि यार आज ही 2-2 चीज़ डाल दी, पर वो सबसे बेस्ट चीज़ हुई थी मेरे SSB की, क्योंकि फिर बाद में होना है GTO, मतलब ये सारे ग्राउंड के टेस्ट होने हैं, वो होते हैं 9 टेस्ट होते हैं। फोकस तो मैं कहा बाकी के 2 दिन मैं इस पर फोकस कर लूंगा, कर लो। अब मुझे इंटरव्यू का नहीं करना पड़ेगा, यार मेरा इंटरव्यू होना है, ये भी करना है वो भी करना है। ठीक है, मेरा इंटरव्यू हो गया। तो अगले दिन बढ़िया सो के उठा हम रेडी। तो क्या है कि हम लोगों का ग्रुप सबसे अच्छा था, कि जो हम लोग स्क्रीन हुए थे 82 में से 34 हमारे 4 ग्रुप बना दिए गए थे। तो हम स्क्रीन आउट से हम साथ में ही थे, तो हम लोगों का ग्रुप सबसे प्यारा था। मतलब प्यारा का मतलब इन द सेंस कि वो कॉपरेटिव था, एक दूसरे की सुन भी रहे, एक दूसरे की कर भी रहे, मान भी रहे, सबसे अच्छा ग्रुप था हम लोगों का। GTO पहले बैठा ला हम लोगों को GD के लिए। तो ग्रुप डिस्कशन उसमें आपको 2 टॉपिक दिए जाते हैं, तो उसमें कम से कम उसमें 3 लीड्स दी जाएंगी। 3 जैसे मान लो मुझे दिया गया था कि जो आज इंडिया की इकोनॉमी अच्छी होने वाली है, हो रही है, मतलब जो ग्रोथ हो रही है, तो उसका मेजर मेजर रीजन कौन सी कंट्री का ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है, वेस्टर्न कंट्रीज और गल्फ कंट्रीज और कौन सा कुछ ज़्यादा मुझे याद नहीं आ रहा। तो मैंने वेस्टर्न कंट्रीज लिए अपनी लीड ली थी, मतलब मैं वेस्टर्न कंट्रीज का साइड लूंगा, तो उसमें अपने पॉइंट्स रखूंगा। तो अब जैसा है कि आपको वर्ल्ड अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा, तो आपका फैक्ट होना चाहिए। अगर आप नॉर्मल बात बोलोगे जैसे सिंपथेटिकली कि अरे ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, तो वो आपका काउंटर हो सकता है पॉइंट। अगर आप फैक्ट मारोगे, फैक्ट को कौन ही टच कर पाएगा। फैक्ट को कोई नहीं कर सकता। तो मैं बस यही स्टडी ले गया था कि नाइस फैक्ट ही फैक्ट मारूंगा, तुम नाइस टच करो कैसे करोगे, 2-4-5 फैक्ट बोल तभी यार सुन तभी, क्योंकि वो एक GTO इतना प्रोफेशनली ट्रेन्ड बंदा होता है कि अगर 20 बंदे भी बोल रहे हैं तो 20ों पर ध्यान दे रहा है, उसकी नज़रें कहीं भी होंगी सुन आपको रहा होगा, हर एक बंदे पर ध्यान होगा। तो आपको दूसरे की सुननी भी है, आपको अपनी बात रखनी भी है, समझानी, क्योंकि वहाँ हो जाता है फिश मार्केट क्रिएट, क्योंकि सबको अपनी बात बोलनी है, सबको अपना इंप्रेशन क्रिएट करना है सही GTO बात के है, सामने, ग्राउंड सही है, टेस्टिंग ऑफिसर के सामने। नाइस। तो वो मेरा अच्छा गया। फिर दूसरा टॉपिक हमें दिया गया था कि अल्कोहल की जो एज है वो क्या होनी चाहिए, मतलब अंडर मतलब टीनेज से ही है, एडल्ट है कि अबव 21 होना चाहिए। तो मैंने एडल्ट ही मतलब 18 ही लिया था, मतलब वो क्या है कि थोड़ा ऐसी था, क्योंकि जो होता है पहले में टेस्ट कर लेते हैं वो, दूसरे में तो GTO देख भी नहीं रहा था, आसपास हमारे तो उसमें चल रहा था ये वो फलाने का, तो उसमें सिंपथेटिकली चल रहा था। तो मैंने भी अच्छे अच्छे पॉइंट्स मारे उसमें, मोरली मोरली इतने इंक्लाइंड पॉइंट से सारे दिए उसमें, तो हमारा GTO हो गया। फिर हमारा होता है एक GP ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, उसमें आपको 4-5 प्रॉब्लम दे देंगे, तो 10 मिनट एक टोकन दिया जाएगा, उसमें अपनी प्रॉब्लम पढ़ो, उसमें अपनी माइंड में प्लान बनाओ पूरा, वो वापस ले लेंगे। फिर एक पेपर पर प्लान लिखो, वो जमा हो जाएगा।
फिर आपस में प्लान डिस्कस करो और एक ग्रुप अपना कॉमन प्लान बनाना पड़ता है। तो हमारा जीपी अच्छा गया, तो मतलब जितने ही सारे टेस्ट थे अच्छे जा रहे थे। हाँ तो अब क्या, यहाँ से फिटनेस वगैरह ही बनाया गया था, जिम में भी ज्वाइन कर ली थी। तो वहाँ हमारा आईओ हुआ, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल। उसमें क्या है, तरह तरह के होते हैं, कहीं चढ़ना है, कहीं से कूदना है, 3 मिनट दिया जाता है और 10 ऑब्स्टिकल करने पड़ते हैं। कोई ऑब्स्टिकल जब तक सारे कंप्लीट ना हो तो आप रिपीट भी नहीं कर सकते। तो मैंने सारे 10 कर लिए थे, प्लस ही रिपीट भी कर लिया था। मैंने 11 ऑप्शन लिए थे। हर पॉइंट वाइज होता, जितना डिफिकल्ट होगा उतने ज़्यादा उसके पॉइंट होंगे। तो मैं क्या है कि एट दी एंड जब मेरे सारे हुए थे, मैं जो 10 नंबर का होता, हाईएस्ट नंबर का था, वो कर रहा था अटेम्प्ट। तो मैं बस ऐसे चढ़ रहा था, तो जो लोहे का होता है वो मेरे गला यहाँ पर लगा और मैं बिल्कुल आउट ऑफ सेंस हो गया। क्योंकि लोहे के एकदम से गला, क्योंकि आप जल्दी से चढ़ के जा रहे हो, एकदम से नाक में गला, मेरे यहाँ से पूरा खून ही खून आने लगा। सही है, उसी चीज की हाँ लगी ये है मार के उसी चीज़ का है मेरा। वहां पे मार के भाई। हाँ तो मेरा पूरा खून आने लगा, पर मैं तब भी चढ़ा। मैं चढ़ा वहाँ पे, क्या एक टायर लीप बोलते हैं, आपको ऊपर चढ़ो, वहाँ से टायर इधर लीप मारो, फिर क्या रस्सी को अच्छे से पकड़ना पड़ता है। अगर आप इतना 1 इंच भी नीचे आए तो रस्सी आपका मांस निकाल देगी हाथ में से, ऐसी रस्सी होती है वो। तो मैं नीचे आया अपना, कंप्लीट कर लिया। वहाँ से जीटीओ ने कुछ नहीं बोला उसे, वो मतलब वो मुझे टेस्ट कर रहा था कि मतलब ये मुझसे बोले कि मैं सर ये करवा दो वो करो। मैंने उससे कुछ नहीं कहा, मेरा खून आ रहा है, वो भी देख रहा है कि मेरा खून आ रहा है। उसने कहा ठीक है जनरल, ओके जनरल, टेक 10 स्ट्रेस, तो वील फॉरवर्ड फॉर अनदर टेस्ट। मैं ठीक है, फिर मैं वहाँ पे गया। तो फिर वहाँ से जीटीओ ने खुद ही भेज दिया एक मेडिकल वाला कि जाओ ये चेस्ट नंबर इसका ये ऐसा है। तो वो आया, उसने मुझे पूछा कहाँ है, तो मैं मिला, उसने मेरा ट्रीटमेंट किया, मुझे बैंडेज वगैरह लगाया। फिर हमारे बाकी भी टेस्ट हुए, फिर मतलब उस दिन 9 में से हम लोगों के 5 टेस्ट हो गए थे। फिर अगले दिन 4 हम लोगों के टेस्ट हुए, वो भी अच्छे खासा, मतलब पूरा कोऑपरेशन, बहुत प्यारा कोऑपरेशन था वहाँ मेरे ग्रुप से। फिर अगले दिन आता है कॉन्फ्रेंस, वही होता है ना, यही रात अंतिम यही रात बाहरी। कॉन्फ्रेंस में क्या होता है कि जो आपके साइक हो गया, आपका इंटरव्यू हो गया, आपका जीटीओ हो गया, हर चीज़ की एक कंबाइंड रिपोर्ट बनती है। उसमें होता है बहुत बड़ा सा हॉल होगा, 15-16 ऑफिसर्स बैठेंगे उसमें, आपको अकेले जाना है, अकेले 10, मतलब ये होता है जिसकी कॉन्फ्रेंस जितनी छोटी होती है उतना बेस्ट होता है। हाँ तो मैं गया, मैं बैठा, उन्होंने मुझसे 2-3 क्वेश्चन पूछे। तो मैं ठीक है बता दिया। फिर वहाँ पे बोलते हैं ठीक है, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट बोल के 2 मिनट चली मेरी कॉन्फ्रेंस, बाहर भेज दिया उन्होंने। बस पता नहीं अंदर से फील आ रहा था कि नहीं यार वो तो जाना ही है। उस टाइम मैं बहुत चिल था, मैं बहुत चिल। फिर जब रिजल्ट आने, वो जब लेके आ रहे थे, तब तो मुझे लगा यार अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो ठीक है मैं खड़ा था, तो क्या था कि हम लोग, उनने जो रिपोर्ट बनाई थी वो बनाई थी अल्फाबेटिकली वाइज, मतलब जैसे मेरा प्रिंस है तो मेरा पी एंड में आएगा, तो ABCD ऐसा ऑर्डर में आ रहा था। तो बुलाया पहले, चेस्ट नंबर मेरा 17 था, मैं सुनना चाहता था 17, तो उसने बोला चेस्ट नंबर 18, फिर ये फिर वो फिर वो। जब 3-4 हो गए, मैंने कहा यार तो मुश्किल है, मैं तब भी खड़ा रहा खड़ा रहा। तो उसने जैसे ही बोला चेस्ट नंबर 17, सो आई वॉज द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन द प्लानट। तो मैं गया, मतलब हम लोग को ये इंस्ट्रक्शन मिले थे कि जिसका भी चेस्ट नंबर बोला जाए वो सामने आए, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और मार्क ऑफ रिकग्निशन, मतलब जो भी आपके बॉडी पे कोई मार्क है तो वो बताना है। तो मेरा मेरा ये था कि मोल ऑन राइट बाइसेप था, प्लस क्या है कि मेरे फिंगर पे स्टिचेस लगे थे। मैं गया, मैंने बस नाम बताया, बाकी सब कुछ भूल गया, इतना खुश था। तो बोलता है कि और DOB, और DOB जनरल, और DOB, DOB। मैं क्या, फिर मैं होश में आया, मैंने सर ओके 22 जुलाई दे 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 से मार्क, ये मोल ऑन राइट बाइसेप सब कुछ बता दिया। वहां जाके हम साइड में खड़े हो गए, बस मतलब पता नहीं एकदम स्टिलनेस ही लग रही थी कि यार जैसे नहीं 3-8 में बोल रहे हवाएं भी चलने लगे ये वो, मतलब काफी खुश थे उस दिन हम लोग। हवा में उड़ने लगे थे नहीं बस। हवा में उड़ नहीं रहे थे। हाँ पंख तो होते तोड़ जाता। पंख होते उड़ जाता। मैं वो बताया था हिमांशु भाई, हिमांशु भाई था, मतलब ये था हमारा ग्रुप इतना अच्छा था कि 10 टोटल रिकमेंड हुए थे और मेरा ग्रुप था 9 बंदों का, उनमें से 5 हमारे रिकमेंडेड थे, आधे बंदे हमारे ग्रुप से रिकमेंडेड थे। नाइस। और चेस्ट नंबर 11, 13, 15, 17 ऑड नंबर में चल रहा है, बस 18 ने काम बिगाड़ दिया था। मतलब हम लोग 5 बंदे रिकमेंड हुए, आराम से जाके वहाँ बैठे बस। तो पापा को फ़ोन लगाया, पापा स्कूल में थे, पापा को फ़ोन लगाया, पापा, तो पापा कह रहे हैं हाँ बेटा, तो मैं पापा हो गया। पापा ने बोला, पापा ने कुछ नहीं बोला, पापा ने कहा हो गया, अच्छी बात है, अच्छे से खाना खाना बस ये वो। पापा इज नॉट पापा एक्सप्रेसिव, नहीं होते पापा एक्सप्रेसिव लोग, नहीं स्पेसिव होते, हमारे भी नहीं है, तो ना ठीक है। दिखाते नहीं है कि खुश। वो हाँ बहुत होंगे, सबसे ज्यादा खुश होंगे, इससे ज्यादा क्या पता वो खुश फिर होंगे। बाद में थोड़ी देर बाद मम्मी का फोन आया, क्योंकि मैं डॉक्यूमेंटेशन के लिए चला गया भाई, इतने डॉक्यूमेंट मिलते हैं भरने को, मैंने अपना ही एड्रेस कम दे 500-600 बार भरा होगा। तो क्या हुआ, तो मैं डॉक्यूमेंटेशन के लिए भेज दिया गया, सारे डॉक्यूमेंट्स दिए गए। फिर मम्मी से बात हुई,
मैंने इनको किसी को नहीं बताया था अभी, हम लोग को उस टाइम में सरप्राइज देना था है। तो क्या है कि मम्मी से बात हो गई, मम्मी ठंडी थी, दीदी वगैरह सबको बता दिया है, तो फिर गए हमें अपना प्लस वाला मिल गया फाइनली। ला तो गए फिर तो फिर तो हमें अपना प्लस वाला मिल गया, तो क्या है मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा, तो मैंने उठाया 22, डेट ऑफ बर्थ थी 22, 22 जुलाई, 22 उठाया, फिर मैंने इसको फ़ोन लगाया वीडियो कॉल। पहले पहले मैंने वॉइस कॉल किया है, तो मैंने कहा भाई यार क्या हुआ, मैंने कहा यार अच्छा नहीं लग रहा, तेरा बता दो क्या हुआ, मैंने कहा यार वीडियो कॉल कर, ये अपने आईटी में ही मैं था। अपना एग्जाम दे रहा था उस हाँ दिन भाई। मेरा एग्जाम ना इतना ज्यादा बेकार गया था उस दिन, इतना ही ज्यादा, मतलब जितना बेकार जा सकता ना उतना बेकार मेरा एग्जाम गया था। सुनो और फिर भाई का वीडियो कॉल आता है तो हुआ क्या, मैं कहा यार वीडियो कॉल कर, वीडियो कॉल हम्म, कर, मैं लेके रखा था फोन इतना कि अपना इतना ही दिखा रहा था मैं इसको, मैं गंदी शक्ल, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, मैंने बना एकदम, मैंने कहा प्लस देख, मैंने कहा हो गया भाई। मेरे साथ ऐसा था कि भाई मुझे लगा मेरा तो एग्जाम बुरा गया ही है, भाई भाई के साथ अच्छा हो, बस मैं इतना चाहता था यार। तो मैंने इसको प्लस साइन दिखाया, ये भाई भी सेंटी, ये भाई मैं रो साइकिल से गया जा था, रहा है ना, मैं रो इन्हें गया था, गाड़ी रोकी, ये भी मैं रोका, कह रो रहा मुझे गया 5 मिनट रोकी, अपने पूछने लगे। भाई, मैं रो गया था सच में, क्योंकि था यार के मतलब तब कुछ ही मैंने दोस्त हैं यार, वही चाहते हैं कि वो लोग मैंने आगे बढ़े, बस और क्या। इसको बताया, समरान समरान कह रहा, कह रहा हो गया, मैंने कहा तेरे को कैसे पता, कह रहा तूने इतने दिन कॉल नहीं किया, मैं समझ ही गया था कि तेरा होगा, मैंने कहा नहीं यार सरप्राइज बेकार कर दिया। तब फिर हम लोगों का चला 9 दिन मेडिकल, और ईश्वर की कृपा से कंप्लीटली फिट था फॉर ऑल सर्विसेज विदाउट यार विदाउट एनी TR। TR होता है टेम्परेरी रिएक्शन, मतलब टेम्परेरी कहीं भी रिएक्शन कुछ परेशानी निकलती है तो TR देते हैं, याद मतलब होते आप हैं। क्योर कर लो चीज़ें। तो मेडिकली कम्प्लीटली फिट था, हम बस 3 बंदे फिट थे, मतलब 82 में आप 34 बंदे रिकमेंड, सॉरी स्क्रीन इन, 34 में 10 रिकमेंड, 10 में हम 3 बंदे मेडिकल फिट थे, कम्प्लीटली फिट। तो बस आके घर आया और थोड़ी मौज मौज चली, बस मेरिट आना बाकी है अभी भी इतने के बाद। तो फिर क्या हुआ, मेरिट का भी ऐसी टेंशन था, हम लोग आए काफ़ी होली होली साथ में मनाई, सब कुछ किया, काफ़ी इंजॉय किया। फिर मेरिट आई, मेरिट भी आई 17 तारीख को, दीदी की शादी थी मतलब आने वाली थी, तो मैं मार्केट में था, तो एक भैया हैं वो CDS रिकमेंडेड थे, अभी IMM है, तो उनका फ़ोन आया, कह रहा है तू मेरिटन हो गया। क्या बोल रहे भैया, कह रहा सच्ची। तो मैं वहाँ रुका, शहर में था, दीदी के साथ जा रहा था, वहाँ खोल के देखा मेरिट हो गया, ऑल इंडिया रैंक 370। वहाँ मैं रुड़की में था उस टाइम हाँ, पे फिर मैंने इसको फ़ोन लगाया, इसको सरप्राइज इसके लिए प्लान किया था अरे मैंने कहा है तू, कह रहा भाई कॉलेज में, मैं कहा एक पेन पेपर, कहते ठीक है, मैंने कहा लिख 370, कहते ठीक है, मैंने उसके आगे लिख दिया ऑल इंडिया रैंक। भाई उस दिन, भाई उस दिन भी मैं जो खुश था ना भाई, मजाक सट के बहुत ज्यादा भाई। तो यही रहा था, मेरिट आ गई, फिर मेरिट के बाद फिर कॉल लेटर आया शॉर्ट नोटिस पर, 23 जून को मेरा कॉल लेटर आ गया था, और 28 को मेरी रिपोर्टिंग थी, 28 जून को NDA में निकल गया था भाई गंतव्य के लिए। तो भाई वहाँ से लेकर यहाँ तक की जर्नी पूरी भाई ने बता दी है, बहुत अच्छी जर्नी लगी, बहुत इंस्पायरिंग जर्नी रही। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीसरी बार में भाई निकल गया, बहुत अच्छा लगा। और यार आप लोग भी मेहनत करते रहो, देखो यार क्योंकि जर एक समय होता है हर चीज़ का। ज़्यादा ना छोटी छोटी चीज़ें आती हैं, मतलब एक हम लोग स्कूल के टीचर थे, तो मैं काफ़ी स्किनी सोया था, मतलब करो काफ़ी स्किनी था मैं उस टाइम पे, तो क्या होता था उस टाइम पे हाफ टी शर्ट पहना था, तो मतलब 11th तब सब सबसे पूछ रहे थे कि आपको क्या करियर ऑप्ट करना है, मैं बोला सर NDA, तो मेरे बाइसेप की तरह देख के बोला आगे ऐसे तुम जाओगे। ये लोग बहुत जरूरी हैं भाई कहते लाइफ में, कहते मजाक कि सेट के। कहते तुम जाओगे, उसके लिए चाहिए मेटालिक बॉडी, ये चाहिए वो चाहिए, बॉडी ही बना लेंगे, तो बॉडी ही बना ली। देखो क्या होता है ना, बोलने वाले बोलते रहते हैं, आपको सिर्फ अपना काम पे ध्यान देना है ना। और काफी लोग देखो, ये लाइफ के एक स्टेज होती है, आप लोग ऊपर जब जाना चाहोगे ना तो 1000 लोग आएंगे आपको नीचे धकेलने के लिए, क्योंकि क्योंकि ऑब्वियसली क्योंकि जो इंसान खुद नहीं जा सकता वो दूसरा जो ऊपर बढ़ने की कोशिश करता है वो उसे नीचे ही करने की कोशिश करता है ना। तो ये होता है भाई, सबकी अपनी अपनी जर्नी है। भाई की जर्नी बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है, तो यार मैं लाइक रिस्पेक्ट करता हूँ, और कमेंट में ज़रूर बताना आपको कैसा लगा। तो यार हाँ, मैं एक चीज़, एक क्वेश्चन मेरा है कि जो नए नए अपने आ रहे हैं NDA के एस्पिरेंट्स, आप उनको लिए कुछ मतलब ऐसी मतलब मंत्रा दे दो, एक ऐसी टिप दे दो कि बस ये कर लो, मतलब इतना कर लो लाइक।
शॉर्ट में कह दो, फर्स्ट बता ऑफ दो। ऑल मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ। प्लस क्या है कि देख, सबसे प्यारी बात ये है भाई, देख पहली और आखिरी चीज मैं यही बोलूंगा कि अगर एस्पिरेंट खुद को बोल रहे हो तो प्योरली डिफेंस एस्पिरेंट होना चाहिए, एग्जैक्टली क्योंकि ये ना कि बंदे क्या है, 12th के बाद सोचते जेई दे दो, एनडीए दे सही दो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्या है एक्सपीरियंस और कुछ, बात है, ऐसे बंदे छोड़ के भी चले जाते सही हैं। बात है। तो क्या अगर डिफेंस जाना है सच में जाए, क्योंकि मतलब प्रेशर इतना नहीं है कि अगर आप टफ SSB निकाल लें, फिर वहाँ बढ़िया, ट्रेनिंग भी टफ होती है, सही बात है। एनडीए की ट्रेनिंग भी टफ होती है पर इंटरेस्टिंग होती है। तो क्या है कि मैं इतना ही बोलूंगा कि बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, एग्जैक्टली बिकॉज हमें हमसे ज़्यादा कोई नहीं जानता, आपको ही अपनी स्ट्रेंथ पता है, आपको ही अपनी वीकनेस पता है, वीकनेस पे काम करोगे हो जाएगा सब कुछ, हो जाता है यार इंसान, मैं यही लेके चलता था यार, इंसान ही तो करते हैं। इंसान ही करते हैं, सही बात हर साल 400 बच्चे NDA जाते हैं, बच्चे ही तो जाते हैं, है। और हम जैसे ही बच्चे हम जाते जैसे हैं, बच्चे और मतलब ये है कि जो बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, मतलब काम है तो ये नहीं कि मतलब ये कह रहा हूँ कि वो ही करते रहो, पढ़ते ही रहो, ये करते रहो, एंजॉयमेंट भी हम करो, लोग ने भी खूब एंजॉय करा, ऐसी खूब बात किया नहीं है। है भाई, फेयरवेल किया भी है करा था हम लोग ने साथ में, छह छह वीआर सौ सब में फेयरवेल करा 600 रुपए, मतलब ये तो एक बात है। हम लोग की कहानी है वो भी लाइक बहुत ज्यादा लाइक तगड़ी कहानी थी। वो भी लाइक एक वहां से मिशन हम लोग था, ने काफी चीजें सीखी कि यार जब तुम्हारे आगे बहुत मतलब पैसे वाले चैलेंज। लोग हाँ हों, बहुत ऐसे वाले लोग हों, फिर भी तुम अपने लिए स्टैंड रहो, बेस्ट ब्रिंग आउट करो अपना लाइक अपने लिए बेस्ट भाई, दो, तो भाई चीज जो निकल के आती है ना भाई, वो ऊपर जो थे ना 1100 वाले, उनसे बहुत ज्यादा अच्छा फेयरवेल हम लोग का हुआ था। मतलब ये आप लोगों को लग रहा होगा ऐसे ही, पर उस टाइम पे तो हम लोग के ऊपर प्रेशर था ना, वो बहुत ज्यादा लाइक बड़ा प्रेशर था, क्योंकि इतना है कि यार 11th 12th पढ़ाई, क्योंकि अभी काम ही क्या है, पढ़ो लिखो, पढ़ाई लिखाई करो यार, और क्या। एंजॉयमेंट मारो, और हीरो बनो। आज भाई के घर वाले भी हद से ज्यादा प्राउड फील करते हैं, और हम लोग को भी बहुत प्राउड फील होता है। और मैं चाहता हूँ कि आगे भी तुम जब 3-4 साल बाद ट्रेनिंग के बाद निकलो, तो फिर से हम पॉडकास्ट शूट करेंगे, बहुत अच्छे पॉडकास्ट शूट करेंगे। और लाइक वी विश यू द बेस्ट जर्नी, और हमारे देश सेम की टू यू रक्षा गाइस। करने वाले हमारे प्रिंस सोनी, ठीक तो ये देख लो NDA, ठीक है, और ये IIT, ठीक है। फ्रेंडशिप तो गोल्स फ्रेंडशिप गोल्स ये होता है, फ्रेंडशिप गोल्स वो नहीं होता है कि तुम कैफे या क्लब में वही, जाके अपनी दारू और इन सब के साथ, हुक्के के साथ ये सब बनाओ। दिस इंस्टेड ऑफ इज नॉट शेयरिंग ऑन इंस्टा बी इन रियलिटी। बी इन रियलिटी। तो गाइज दिस इज फ्रेंडशिप गोल्स, और मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि यार अभी ये नहीं, अभी और रुको, अभी एक और तूफान आने वाला है। अभी एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, तो उसका भी पॉडकास्ट होगा। तो यार ये बस इतना है कि वही यार है ना लोग कि करते रहो अपनी तरफ मिशन तभी से। कंप्लीट होगा जब यहाँ 3 बंदे बैठे होंगे। एग्जैक्टली हमने आपसे, मैंने आपको एक बात बताई थी कि हम तीन, लाइक हम तीन ऐसे थे, मतलब मैं, सम्रांत और प्रिंस, लाइक तीनों के अलग गोल्स, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर और एक आर्मी, तीनों बहुत तगड़े तगड़े कॉम्पिटेटिव एग्जाम, लाइक सबसे लाइक टॉप टॉप टफेस्ट एग्जाम्स यही हैं भारत के, सबसे टफेस्ट एग्जाम लाइक। एंड अब भाई देखो, तब तक तो ठीक था, अब NDA की जो ट्रेनिंग की अकेडमी है भाई, सच में टफेस्ट है, वर्ल्ड की टफेस्ट अकेडमी है NDA की अकेडमी, है ना। तो भाई कर रहा है अभी भी बहुत अच्छा, कर रहा है अभी भी बहुत अच्छा लग रहा मजा है। आता है। और हमारा सम्रांत भी बहुत अच्छे से अपना 100% दे रहा है LN में, तो यार वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो दैट्स व्हाट फॉर टुडे गाइस, और कैसा लगा आपको प्लीज कमेंट में जरूर बताना। और कुछ आप हमारे चैनल को कुछ कहना चाहेंगे? भाई तू जो कर रहा है मस्त कर रहा है भाई, मतलब इसकी डेडिकेशन देख के अच्छा लगता है कि हम घूमने भी जाते हैं भाई, वीडियो शूट कर लेते हैं, वीडियो एडिट कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, मतलब बंदा बिजी है अपने ये कर रहा है, अच्छा कर रहा है कि मतलब अभी इस टाइम में इतने प्यारे सिनेमैटिक्स वी एफएक्स सब लेता है विदाउट एनी थिंग, क्योंकि बंदा IIT गया बिना कोचिंग के, वीडियो जो भी कुछ सीख रहा है बिना कोचिंग के, खुद से कर रहे हैं, तो लर्नर है, गुड लर्नर, तो ठीक है भाई, थैंक्स अलॉट फॉलो भाई प्रिंस फॉलो सोनी, करते रहो भाई, कुछ और सपोर्ट करो अपने भाई को, और ऐसे ना कुछ अच्छा लाएगा मैं बता रहा हूँ, फोड़ेगा। तो सपोर्ट करो गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट या वीडियो में। तो गाइस हाँ, और एक मैं चीज़ कहना चाहूँगा कि एक बार पीछे मुड़ जाओ भाई, ये दिख रहा है ना NDA, इसकी मेहनत, जो इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है, और बातें करने से कुछ नहीं होता है, मेहनत करो तो भाई, ठीक है।